अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज़ सैयद सज्जाद। जब आप एक कंटेनर लेते हैं और उसके अंदर पानी डालते हैं और उसमें फ्रॉग को डाल देते हैं और नीचे से आग लगा देते हैं, तो स्लो स्लो हीट बढ़ते जाएगी पानी के अंदर। स्लोली लेट्स से एक हाफ एन आवर में या वन आवर में एक एक डिग्री बढ़ते जाएगी, तो फ्रॉग को पता भी नहीं चलेगा। अगर उसको पता भी चल रहा है कि स्लोली टेम्परेचर बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, वो अपने आप को अडेप्ट कर लेगा। तो जैसे ही उसके अंदर ढालते जाएगा, तो एक टाइम पे थोड़े घंटों के बाद, लेट से 5 घंटे या 10 घंटे के बाद, अति ज़्यादा गर्म हो जाएगा पानी, तब वो चाहेगा निकलने के लिए वहाँ से, उसको बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन वो टाइम पे उसके हाथ पैर काम नहीं करेंगे और वो निकल ही नहीं पाएगा उसके अंदर से, और वो उसी में जल कर मर जाएगा। तो ये स्टोरी आपने बहुत बार सुनी होगी, इसको कहते हैं बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम। तो ये जो फ्रॉग है, इसके जैसे ही हम इंसान भी होते हैं। तो आप कहेंगे वो कैसे, तो देखिए आप अपने आसपास को लोग देखते होंगे, किसी की किडनी फेल हो गई, किसी को ट्यूमर ग्रोथ हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को डायबिटीज़ की वजह से उनके पैर हाथ काटने पड़े, ये बहुत सारे लोगों को देखा गया। तो जब ये लोगों को हिस्ट्री देखी गई, ये ऑल ऑफ ए सडन तो नहीं हो गया, मैं बस आज तक हेल्दी था और कल मुझे इतना बड़ा ट्यूमर निकल गया पेट के अंदर, तो ये ऐसे नहीं होता। सालों सालों से वो लोग एक गोली पे रहेंगे। अब जब आप ये लोगों से पूछेंगे कि पास्ट में क्या करते थे, तो ये कहते थे कहेंगे कि मैं बीपी की गोली लेता था, मैं डायबिटीज़ की गोली लेता था, मैं पिछले 20 साल से लेता था, पिछले 25 साल से लेता था, और सडनली मेरे किडनी फेल हो गए, मुझे एम्प्यूटेशन करना पड़ा, मेरा पैर काटना पड़ा, मुझे आँखों में दिख नहीं रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम्स सडनली नहीं हुए, तो स्लोली हुए। तो वैसे ही जैसे कि एक फ्रॉग को स्लोली टेम्परेचर बढ़ाते गए और उसको पता भी नहीं चला कि एक टाइम ऐसा आ गया कि उसकी पूरी बॉडी काम करना बंद हो गई और वो उसी में जल गया, तो सेम इंसान को भी ऐसे ही होता है। तो जब आपके सामने आपको पहले ही बता देंगे, 10-12-15 गोली दे देंगे एक साथ पहले ही, तो आप परेशान हो जाएंगे और वहां से भाग जाएंगे। तो इसीलिए आपको एक एक गोली की आदत डालते हैं। कोई भी आज 5 गोली 6 गोली ले रहा है, उसको पूछिए आप पहले स्टार्ट किससे हुआ था, एक ही गोली से, वो एक ही गोली आज आपको कहाँ तक लेके चले गई। तो आपका भी एक पॉइंट आएगा जहाँ पर आपको भी कहा जाएगा कि अब आपका पैर निकालना पड़ेगा, अब आपकी किडनी काम करना बंद हो गई, अब आपके अंदर कैंसरस ग्रोथ हो गया। तो ये आप ये मत समझिए कि मैं अभी तो इतने गोली खा रही हूँ, बस एक ही तो गोली खा रही हूँ, दो ही तो गोली खा रही हूँ, तो इससे आप खुश मत होइए। थोड़े लोग हम लोग को बोलते हैं, देखिए मैं तो 20 साल से डायबिटीज़ की गोली खा रहा हूँ, मैं तो 10 साल से सिगरेट पी रहा हूँ, मैं तो 15 साल से शराब पी रहा हूँ। तो ये वही बात है कि आपकी ये बॉडी जो है आपकी खुदा ने बनाया है, ऊपर वाले ने बनाया है, इसीलिए आज तक आपका साथ दे रही है। अगर कोई इंसान आपकी बॉडी बनाता, तो आज पहला सिगरेट, एक सिगरेट पियेंगे आप, दूसरे दिन ही पता चल जाएगा। और कभी भी कोई दूसरा इंसान अगर ऐसा सडन किसी को इफेक्ट दिख जाता, तो कोई भी इंसान सिगरेट शराब और ऐसे चीज़ों से दूर ही रहता। तो आपकी बॉडी बहुत ही कैपेबल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो ख़राब नहीं होगी। आप कॉन्स्टेंटली आप उसको ऐसे ही देते जाएंगे, अगर कॉन्स्टेंटली आप इसको ख़राब ही करते जाएंगे, तो एट द एंड आपको बड़े बीमारियों से सामना करना ही पड़ेगा। तो हम लोग ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ मैनेज करते जा रहे हैं, मैनेज करते जा रहे हैं। हम सिर्फ अपनी रीडिंग देख रहे हैं रोज़, देखिए ये गोली खाने से हमारा बस नॉर्मल रह रहा है। तो ये कब तक नॉर्मल रहेगा, जब तक आपकी बॉडी साथ दे रही है आपका। एक टाइम आएगा, देखिए अपनी बॉडी, हमारी बॉडी बहुत ही कैपेबल है, ये जब तक इंडिकेट नहीं करेगी आपको, जब तक के 80% डैमेज नहीं हो जाता। तो चाहे आप आपके हार्ट डिजीज़ की बात कर लीजिए या आपके लिवर फंक्शन की बात कर लीजिए, लिवर भी सिर्फ 70-80% डैमेज होने के बाद ही आपको सिम्टम्स देगा। वैसे ही आपका ब्लॉकेज 80% होने के बाद ही, 70% होने के बाद ही आपको प्रॉब्लम आएगी। जब तक 30% आपका हार्ट वर्क कर रहा है, तो आप रनिंग कर सकते हैं। 20% आपका हार्ट वर्क कर रहा है, मतलब आप वॉकिंग कर सकते हैं, तो वॉकिंग में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी आपको। जब वॉकिंग में डिफ़िकल्टी आएगी, तो ऑब्वियसली आपका हार्ट 80% ब्लॉक हो चुका होगा। तो आप ये मत सोचिए कि ये मैं एकदम हेल्दी हूँ, मैं एक दो गोली खा रहा हूँ तो नॉर्मल होऊंगा। नॉर्मल पीपल डोंट नीड मेडिकेशंस। आप अगर मेडिकेशंस पे है तो यू आर अबनॉर्मल। तो आप अबनॉर्मल है, एग्री करिए और इसके गोल के तरफ बढ़िए कि आपको वो टैबलेट्स, वो मेडिकेशंस को छोड़ना है, एंड दैट इज़ पॉसिबल। अगर आप सोच रहे हैं कि ये डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है और थायराइड है, पीसीओडी है, ये सब के लिए तो हम लोग को टैबलेट खाना ही पड़ेगा, अगर एक दिन भी नहीं खाएंगे तो हमारा शुगर बढ़ जाएगा, तो ये सच है कि आपको अभी आदत हो चुकी है वो चीज़ों की, लेकिन ये सब चीज़ों को भी आपको टैबलेट्स की ज़रूरत नहीं है।
ये तो बहुत ही सिंपल डिजीज़ है जो कि इजीली आपके लाइफस्टाइल चेंजेस जब करेंगे आप, थोड़े ही दिन में, थोड़े ही महीनों में आपको टैबलेट छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आप टैबलेट छोड़ें। तो ये तो छोटे बीमारी है जब बात कर रहे हैं, हार्ट डिजीज़ जो कि 80% ब्लॉक, 90% ब्लॉक, उसको भी बिना स्टंट डाले, बिना सर्जरी करे, सिर्फ आपके लाइफस्टाइल चेंज करने से आपकी ये डिजीज़ चले जाएगी। ये आप देख रहे हैं बुक, ये डीन ऑर्निश, ये इन्होंने ये ऑलरेडी 1990 में प्रूफ कर दी है, द ओनली सिस्टम साइंटिफिकली प्रूवन टू रिवर्स हार्ट डिजीज़ विदाउट एनी सर्जरी एंड स्टंट। तो ये एक ही प्रूवन सिस्टम है। ऐसे ही बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर जॉन मैकडोगल, डॉक्टर टी कोलन कैम्बल। डॉक्टर टी कोलन कैम्बल की बहुत ही बड़ी स्टडी है जो कि द चाइना स्टडी नाम से मशहूर है। तो इन्होंने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है कि कैसे डाइट आपका कैंसर कॉज करता है, आपकी लाइफस्टाइल चेंज कैसा आपको कैंसर लाता है, और वही लाइफस्टाइल चेंज करने से आपका डिजीज़ चले भी जाता है। तो अगर तो आपके मन में ये सवाल आएगा, आपके दिल में ये सवाल आएगा कि अगर ये ऑलरेडी प्रूवन है और बड़े बड़े डॉक्टर्स ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं पास्ट में कि ये सारे प्रॉब्लम्स सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने से आपको चले जाएगी, तो मुझे क्यों नहीं पता चला अभी तक? तो इसका एक ही रीज़न है। मैं आपको इसको एक सिंपल एग्जांपल से बताना चाहता हूँ। अमेजॉन फॉरेस्ट का एग्जांपल लेते हैं। वहाँ पे एक अमेरिका में एक लेबोरेटरी में एक साइंटिस्ट बैठा है और उसने ये फाइंड आउट कर लिया कि अमेजॉन में एक झाड़ है, वो झाड़ से आपका कैंसर एक ही हफ्ते में क्योर हो जाएगा, और वो लाएगा, उसको लोगों में देगा, अब तक के 1000 लोगों में दे चुका है वो ट्रायल में, रैंडमाइज ट्रायल वो कर चुका है ऑलरेडी, और वो हज़ारों के हज़ार के हज़ार को जो भी कैंसर था उनके बॉडी में वो मर गया। तो ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो मरने कैंसर ख़त्म हो गया वो लोगों में और अब वो हेल्दी है, तो ये न्यूज़ सबको फैलेगी, उसको तो नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? ये पूरे हॉस्पिटल्स शट डाउन हो जाएंगे कैंसर के, ये जो जो भी डॉक्टर्स कैंसर के बारे में पढ़े हैं, स्पेशलाइज्ड करे हैं, वो लोग रोड पे आ जाएंगे, और जो फंडिंग जाएगी कैंसर को, अब तक के मिलियन डॉलर्स एवरी कंट्री फंडिंग देती है, ये जो एसोसिएशन है, अमेरिकन कैंसर एसोसिएशन, इंडियन कैंसर एसोसिएशन, ये पूरे रोड पर आ जाएंगे, ये लोग को कुछ भी काम नहीं रहेगा। तो इस वजह से ये पूरी इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। तो ये ऐसा नहीं है कि ये हो भी सकता है, अगर हो भी गया तो ये लोग इसको ऊपर आने नहीं देंगे, इसका लाइसेंस छीन लेंगे और इसको बता देंगे कि विदाउट सही प्रॉपर लाइसेंस ये कर रहा था और ये गलत कर रहा था, ये सही नहीं है, उसको प्रूफ करेंगे कि वो गलत था, और या नहीं तो सेकंड ऑप्शन है, उसको इतना पैसा दे देंगे कि उसको खामोश बैठना ही पड़ेगा। तो आप इजीली समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसे ही हर एक डिजीज़ के बारे में जानना है, वो क्यों होता है, उसका रूट कॉज क्या है, और क्या मैं ये डिजीजेस को रिवर्स कर सकता हूँ, तो आप एक ही काम करना है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए कि आपको कौन से डिजीज़ के बारे में जानना है, आप कौन से डिजीज़ से मुब्तला हैं, आपको कौन सी डिजीज़ हुई है, तो ताकि हम लोग उस पर वर्क कर सकें और उस पर वीडियो बना सकें और उसका सोल्यूशन रूट कॉज से दे सकें आपको। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, हिट द बेल आइकन, जब भी नया वीडियो आएगा आपको अलर्ट आएगा, और हर वीडियो हमारा ज़रूर देखिए आप। ये आपके लिए नहीं, आपके फैमिली के लिए नहीं, आपका पूरा जनरेशन तक का हेल्प होगा इसके अंदर।